आपको शादी करने का मौका मिले इंडियन हिंदू गाय से तो कर ली। क्या बात है, ये बड़ा अच्छा सवाल किया है। मैं तो चाहती थी कोई सवाल मेरे से ये करे कि तुम्हें इंडिया में किसी से शादी करनी हो तो किससे करोगे। मैं लोग तो वैसे हंसेंगे, मैं जिसका नाम लूंगी। हिंदू लड़के को जो कि आपको देख रहे हैं, यही कहूंगी कि कमेंट्स में वो मैसेज करने से कुछ नहीं होता। पाकिस्तान आए, यहाँ पे आके लड़की को प्रपोज करें, फिर देखें रिजल्ट क्या आता है। बहुत रोमांटिक हूँ ना, लड़का भी ऐसे ही चाहिए भाई। इंडिया वालों रोमांटिक है बहुत ज्यादा, इसको रोमांटिक लड़का ही चाहिए। हाँ जी। हिंदू लड़कों अगर बता दो इस कोई किसी को रिश्ता भेजना ना तो कमेंट्स में बता दो, ये पढ़ लेंगी। पढ़ लूंगी मैं। अपना एड्रेस भी बता देना। हाँ ठीक है, चलो एड्रेस भी बता दे। क्या है कि मेरे तैयार बैठी हूँ। तैयार हूँ। आई लव इंडियंस, आई रिस्पेक्ट हिंदूज, या आई रिस्पेक्ट देम, आई रिस्पेक्ट देयर पीपल, आई रिस्पेक्ट देयर कल्चर, आई रिस्पेक्ट देयर एवरीथिंग। ठीक है ना, मैं कि अच्छी और बुरी बात बता तो क्या बताओगी। अच्छी बात तो यह है कि वो बहुत पोलाइट होते हैं, उनका गुस्सा बहुत कम आता है, बात करने का अंदाज बहुत अच्छा होता है, और मीठे लोग होते हैं, जैसे गुड़ों की तरह मीठे होते हैं। ओके, हिंदूज के बारे में आप एक अच्छी और एक बुरी बात बता दो। हाँ, हिंदुओं की बुरी बात यह है कि वो गोश्त नहीं खाते। और अच्छी बात, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जब पाकिस्तान के लड़कियों को पूछा गया कि आप इंडिया के हिंदू लड़कों से शादी करने को तैयार है क्या, इस पर उन्होंने जो जवाब दिया वो आपको चौंका देगा। और शादी करके आप कहाँ पर रहना चाहेंगी, पाकिस्तान या इंडिया? पाकिस्तान की सिचुएशन चल रही है ना, तो यहाँ से तो भाग जाना बेहतर है, यहाँ भी नहीं रहना। आप इंडिया जाएगी, हिंदू लड़के से शादी करके इंडिया शिफ्ट हो जाएगी, खुश रहेंगे वहाँ पे, सनातन धर्म वो कहते ना अपना लेंगे, अच्छी खासी जिंदगी गुजारेंगे, एंजॉय करेंगे, ताजमहल जाएंगे, आगरा जाएंगे, और भी काफी जगह हैं जो हम देखते रहते हैं, तो बेस्ट है अगर कोई माने तो ना। मान जाएंगे भाई, देखना अभी लाइनें लग जानी है नायला के भी। सही हो गया। अच्छा नायला, ये बताओ कि मतलब शादी होगी आपकी हिंदू लड़के के साथ, सपोज कर लेते हैं आपकी हिंदू लड़के से शादी हो गई है, आप इंडिया शिफ्ट हो रही हैं, आप इंडिया जाके सबसे पहले क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करेंगी, क्या कहना चाहेंगी? ठीक है, अगर मैं इंडिया चले जाती हूँ, स्पोर्ट्स कर लेते हैं, ठीक है, तो जो मेरा फर्स्ट होगा ना मोटिव, जहाँ पे मैं जाना चाहूँगी, वो होगा कि सबसे पहले तो मैं ताज होटल जाऊँगी, ठीक है, उसके बाद मैं वहाँ पे वो कहते हैं ना लहंगों वाली जगह पे जाऊँगी, जहाँ पे वो ड्रेसियाँ बहुत बढ़िया, और लहंगे मेरे फेवरेट है, और ज्वेलरी वहाँ की बहुत फेमस है, और सबसे ज़्यादा जो मुझे वहाँ की फेवरेट चीज़ लगती है ना वो फूड है। हाँ, वो जो थाली में इतनी ज़्यादा डिशेज होती है ना, दिल तो खा लो यहाँ पे, वैसे ही वो ना अभी से मुँह में पानी आ रहा है। सही कह रहे हैं, यहाँ पे वो चीज़ें मिलती नहीं ना, इंडिया की हम काफ़ी चीज़ें देखते हैं, वो हर चीज़ से बेस्ट है, हर चीज़ में बेस्ट है बेश, और वो वहाँ के स्पाइस बहुत ज़्यादा बेस्ट होते हैं, मसाले वगैरह वहीं से बनते हैं, और अच्छी बात उनमें यह है कि उनमें यूनिटी होती है अपने लीडर को सेलेक्ट करने के लिए, जैसे आजकल हमारे इशूज़ चल रहे हैं कि मतलब हमारे में यूनिटी नहीं है, और उनमें लोयल होते हैं वो अपने रिलीजन के साथ। लेकिन बुरा उनमें मुझे ये लगता है कि एक तो वो मुस्लिम नहीं है, उन्हें मुस्लिम हो जाना चाहिए, और दूसरा मुसलमानों पर वो जुल्म करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। अच्छा, हाँ ये तो मीडिया की काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है ना कि मुसलमानों पर वो जुल्म करते हैं। जी। अच्छा, जैसे कि आपने कहा है कि उनको मुस्लिम हो जाना चाहिए, जितने प्यार से आपने मुस्लिम का कहा है, मैं भी कितने लड़के सच में कह दे कि हाँ यार हम मुस्लिम हो जाते हैं। आपको शादी करने का मौका मिले इंडियन हिंदू गाय से तो कर ली। क्या बात है, ये बड़ा अच्छा सवाल किया है। मैं तो चाहती थी कोई सवाल मेरे से ये करे कि तुम्हें इंडिया में किसी से शादी करनी हो तो किससे करोगे। मैं लोग तो वैसे हंसेंगे, मैं जिसका नाम लूंगी। नहीं नहीं, करें हैं क्यों, उन्होंने कहना है कि और भी सोचेंगे, लेकिन वो चीज नहीं है, मुझे वैसे ही वो उनकी ब्यूटी अच्छी लगती है। इमरान हाशमी से शादी करेंगी, लेकिन वो तो मुस्लिम है। तो मुस्लिम है, मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप किसी हिंदू लड़के से शादी से करेंगी, शादी इंडियन में अगर कोई हिंदू हो तो, या कोई हिंदू हो या मुसलमान हो, बस दिल का अच्छा होना चाहिए बस, और प्यार करने वाला होना चाहिए, और मेरा ख्याल रखने वाला होना चाहिए, मेरे घर वालों की इज्जत करने वाला होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात के जो चीज़ें मतलब मैं बाइक वगैरह चलाती हूँ ना, तो उन चीज़ों को कबूल करे और कहे कि हमारा तुम आज बाइक चलाओ, मैं तुम्हारे पीछे बैठता हूँ, मौसम अच्छा है, इंजॉय करना चाहते हैं। जितना लिबरल इस मामले में इंडिया है, इससे ज़्यादा लिबरल कोई आपको नहीं मिलेगा पाकिस्तान में। फिर इंडिया से मंगवा दो, उधर चले जाएं अगर उधर शिफ्ट हो जाए। उधर अगर है मेरा प्लान जाने का, अगर मौका मिला तो मैं इंडिया से ले आऊंगी, लेकिन पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मिलेगा। पाकिस्तान में तो मुश्किल है। फिर इंडियन हिंदू लड़के से भी शादी कर लेंगे? कर लेंगे। तो फिर यानी कि बस उसकी शर्त ये है, आपकी शर्त ये है कि वो बस आपको बाइक चलाने दे, मतलब बाइक चलाने दे, प्यार करने वाला हो, इज्जत करने वाला हो, मेरे घर वालों की इज्जत करने वाला हो, यानी कि इस तरह की क्वालिटीज चाहिए भाई। हिंदू लड़कों अगर बता दो इस कोई किसी को रिश्ता भेजना ना तो कमेंट्स में बता दो, ये पढ़ लेंगी। पढ़ लूंगी मैं।
पाकिस्तान की लड़कियां हिंदू लड़कों की तरफ आकर्षित हो रही है। ये देखकर मुलाना नोमानी का कहना है कि मुस्लिम महिलाओं को हिंदू धर्म की ओर लुभाने के लिए सुनियोजित साजिश के तहत ये सब किया जा रहा है। उन्होंने कहा, दूसरी तरफ हिंदू धर्म के लोगों की ओर से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं को लुभाने, उनके मजहब को बर्बाद करने और उनके इस्तेमाल के बाद छोड़ने की साजिश चल रही है। ये सब प्लान के तहत हो रहा है, लेकिन इन पाकिस्तानी लड़कियों की बात सुनकर तो ऐसा नहीं लगता है, बल्कि सभी लड़कियां हिंदू लड़कों से शादी करने के लिए बेकरार है। कि एक हिंदू की अच्छी और बुरी बात बता, तो क्या बताओगी? अच्छी बात तो यह है कि वो बहुत पोलाइट होते हैं, उनका गुस्सा बहुत कम आता है, बात करने का अंदाज बहुत अच्छा होता है, और मीठे लोग होते हैं, जैसे गुड़ गुड़ों की तरह मीठे होते हैं। और जो बुरी आदत है वो ये है कि वो दूसरे मतलब मजाहिब को है ना बहुत ज़्यादा गलत करते हैं, रोक टोक बहुत करते हैं, उनको बहुत उछालते हैं। उस बात ये चीज़ वाला था, तो आपको अपने मजहब से सिर्फ कनेक्ट होना चाहिए, दूसरा मजहब जो मर्जी जैसा मर्जी हो आपको वो मतलब नहीं करना चाहिए। मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि अगर आपको एक इंडियन हिंदू लड़के से शादी करने का मौका मिले तो आप करेंगी? ऑब्वियसली मैं करूँगी अगर वो अच्छा हो। वो कहते हैं ना, ये जो पाकिस्तानी बॉयज़ होते हैं बहुत ही ज़्यादा अपनी फैमिली की सुनते हैं ना, अपनी वो जो कहते हैं ना GF हो या वाइफ हो उसको वो वैल्यू नहीं देते। और मुझे हिंदू जो बॉयज़ हैं ना उसमें ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि जब स्टैंड की बात आती है ना कि अपनी फैमिली के लिए उन्होंने स्टैंड लेना तो वो उसी टाइम लेते हैं। और जो मुस्लिम बॉयज़ हैं ये जब ठीक टाइम आता है स्टैंड लेने का आता है तो ये क्या करते हैं, वो कहते हैं ना उन्हें वहीं पर छोड़ देते हैं और अपनी फैमिली को कर लेते हैं। मींस कि अच्छी चीज़ का साथ नहीं देते, जो चीज़ पॉजिटिव होती है, जो चीज़ हमें लगता है कि ठीक है, ये उस चीज़ को क्या कर देते हैं, वहीं पर ख़त्म कर देते हैं और अपनी फैमिली की तरफ जो चीज़ ठीक नहीं होती वहाँ पर चले जाते हैं। तो इसलिए मुझे जो पाकिस्तानी बॉयज़ हैं मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। ये बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना सख्त किस्म के होते हैं, शक वगैरह करते हैं ना, मिजाज होते हैं, हाँ, इसलिए मैं इनसे दूर ही रहती हूँ। और जहाँ पर हिंदू बॉयज़ की बात आती है, हम वीडियोस में भी देखते हैं काफ़ी अच्छी उनकी सोच है, और वो जो लेडीज़ होती हैं वाइफ्स होती हैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं। और मैं कहती हूँ और कुछ लड़के में हो ना, लेकिन रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये बताइए, और बुरी बात ये है कि यार बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। मतलब किस लिहाज से स्ट्रेट फॉरवर्ड? मतलब कमेंट्स से पता चलता था ना स्ट्रेट फॉरवर्ड है भाई, इस वजह से स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। लिहाज ही करते जो आया मूवी वो कहते हैं ये बंदा ऐसा ऐसा ही है। नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड से बात की, सच्ची बात स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा है, वो लिहाज ही नहीं करते, वो कहते हैं कि ये चीज़ हुई है तो फौरन चाहे मिस्टेक हो गई हो गलती से हो गई वो फौरन बता देते हैं। एग्जैक्टली। ऐसे भी जब वो कहते हैं ना अगर हम नॉन मुस्लिम से शादी कर लेंगे उसी का धर्म अपनाना पड़ता है, ये तो जाहिर सी बात, आप कन्वर्ट कर जाएं। हाँ, ऑब्वियसली कोई बात नहीं, खुदा तो एक ही है ना, उसी की इबादत करनी है, उसी को मानना है, ये रिलीजन तो हमने वो कहते हैं ना अपने लिए किया हुआ है। प्लीज चाहिए भाई हिंदू लड़कों अगर बता दो इस कोई किसी को रिश्ता भेजना है ना तो कमेंट्स में बता दो, ये पढ़ लेंगी। पढ़ लूंगी मैं। अपना एड्रेस भी बता देना। हाँ ठीक है, चलो एड्रेस भी बता दे। क्या है कि मेरे तैयार बैठी हूँ। तैयार हूँ, बहुत रोमांटिक हूँ ना, लड़का भी ऐसा ही चाहिए भाई। इंडिया वालों रोमांटिक है बहुत ज़्यादा, इसको रोमांटिक लड़का ही चाहिए। हाँ जी, देख लेना, दूसरा गुस्से वाला ना हो, कभी कभी मुझे गुस्सा भी आ जाता है वैसे, लेकिन रोमांटिक पता नहीं हूँ। चलो प्यार करने वाला हो चलो गुस्सा भी बर्दाश्त कर लेगा। हाँ ये बात भी है, ये बात है ना। तो बस फिर इंडिया वालों कमेंट्स में बता दो ये तैयार बैठी हैं, इन्होंने इंडिया आना है, और चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस दिल का अच्छा होना चाहिए, इज्जत करने वाला होना चाहिए, ये तैयार बैठी हैं और इनको चाहिए इंडिया का। चाहिए इंडिया का, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लिबरल है, यही भी रीज़न। बिल्कुल यही है। मुस्लिम व्यक्ति यदि दूसरी शादी करता है तो उसे तलाक लेने की अनिवार्यता नहीं है, जबकि महिला दूसरी शादी करती है तो उसे तलाक लेना ज़रूरी है। तलाक के बाद कोई मुसलमान मर्द अपने पूर्व पत्नी से शादी कर सकता है, लेकिन इसमें इस्लाम ने बहुत बड़ा सजा मुड़कर किया है। तलाकशुदा पत्नी को हलाला करना आवश्यक करार दिया गया है। पूर्व पत्नी को पहले किसी अन्य पुरुष से शादी करना होगा तथा उसके साथ रहना भी होगा। जब कुछ दिनों के बाद दोनों में तलाक हो जाता है तभी वह अपने पहले वाले पूर्व पति से शादी कर सकती है। मुस्लिमों के अक्सर देखा गया है कि वह अपने ही खानदान के रिश्तों में शादी करते हैं। इस्लाम धर्म में चचेरी, ममेरी, मौसेरी या फुफेरी बहन से शादी करने की इजाज़त है। वह अपने खून को बख्श कर किसी से भी शादी के बंधन में बंध सकते हैं। पाकिस्तान में कई ऐसे शहर हैं जहां कजिन मैरिज की प्रथा को काफ़ी बड़े स्तर पर अपनाया गया है। इन इलाकों में एक खोख से जन्मे बहन और भाई को छोड़कर खानदान के किसी भी रिश्ते में विवाह करने को एक रिवाज माना जाता है जिसे फॉलो करना ही पड़ता है।
कजन मैरिज के कारण मुस्लिम लोगों में एक बीमारी का जन्म हो रहा है। इस बीमारी से बीमार होने वाले लोगों की संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि देखी जा रही है। खानदान में लगातार शादी के कारण अनुवंशिक विकारों का उच्च जोखिम बढ़ा है। इसके कारण कजन मैरिज के दौरान पैदा हुए बच्चों में विकलांगता के लक्षण देखे जा रहे हैं और यह एक गंभीर समस्या है। फिर भी यह सामाजिक प्रथा कायम है। माइंड में एक हिंदू का नाम आ गया और हमारे माइंड में क्या इनकलकेट हुआ हुआ है कि हिंदू जो है वो हमेशा बुरा है, हिंदू इज अ काफिर, हिंदू से दूर रहो और हिंदू मर जाए तो दुआ नहीं देनी चाहिए, हिंदू अच्छा लगे तो माशाल्लाह नहीं बोलना चाहिए। मतलब इस तरह की चीज़ें ना, कई ऐसी हम मतलब वर्ड मुस्लिम इज ब्रॉट अप बाय, हमें कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमें टाइम टू टाइम बोलने पड़ते हैं, छींक आए तो बोलना पड़ता है, खाना खाएं अल्हम्दुलिल्लाह कहना पड़ता है, मैं ठीक हूँ आप शुक्र है अल्लाह का, इस तरह का तो एक वो होता है ना नेचुरल वे आ जाता है एक मुसलमानों का बात करते हुए। अब इसी तरह कोई भी इंसान सामने आ गया वो तो बाद में पता चलेगा ना वो कौन से रिलीजन से ताल्लुक रखता है, हमारे माइंड से हमारे मुंह से वो बात निकलेगी ही, ठीक है, हमारे मुंह से वर्ड निकलेगा ही। अभी पिछले दिनों सिद्धू मूसेवाला, आई वाज अ ह्यूज 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 फैन ऑफ हिज, मुझे इतना दुख हुआ था, इतना दुख हुआ था, और उसके बाद मैं क्या उस इंटरनेट को खोल खोल के, मतलब सिद्धू मूसेवाला की डेथ ने, उसकी किलिंग ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। और कोई भी आई थिंक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई बंदा ऐसा नहीं है जो अपने सोशल मीडिया पर सिद्धू मूसेवाले की बात ना कर रहा हो। और मैंने वही चीज़ वहाँ पर देखी है कि रेस्ट इन पीस नहीं आपको बोलना चाहिए। क्या मतलब, ये क्या है, मतलब ये कहने से क्या हम काफिर हो जाएंगे? मैंने मतलब बोल दिया मर गया है, कोई भी मर गया, चलो इसके अलावा और कोई मर गया है तो अब क्या मतलब, ठीक है वो होती हैं थोड़ी सी बातें हमारी आखिरत की, लेकिन यार ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हमारे लिए सोसाइटी ने बना दिया, हमारे रिलीजन ने एक हमें ना चीज़ हमारे अंदर ना क्या कहते हैं इनकैलकुलेट की हुई है, इंजेक्ट की हुई है कि हमें उसी हिसाब से चलना है। हम अगर उसी हिसाब से चलेंगे ठीक है, लेकिन हमारी सोसाइटी में स्पेशली पाकिस्तान में वो काफिर है, उनसे दूर रहो, दैट इज़ हिंदू से दूर रहो, उसके साथ खाना नहीं बैठ के खाना, उसे हाथ नहीं मिलाना, मतलब वो पाक नहीं है और वो पलीत है, इस तरह की चीज़ें लाइक वो चीज़ ना प्लीज़ दिमाग से निकाल दो, कोई अच्छा बुरा नहीं होता और सब अच्छे बुरे होते हैं। पाकिस्तान के लाहौर में रहने वाली युवती को भारतीय युवक से प्यार हो गया। यह प्यार फेसबुक पर परवान चढ़ा और फिर बात शादी तक पहुंच गई। हालांकि दोनों की मुलाकात तो कभी हुई नहीं, पर युवक आपस में शादी का वादा कर चुके थे, लेकिन दोनों देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बीच में रोड बना रही थी। युवती ने प्रेमी से मिलने के लिए भारत सरकार से वीजा जारी करने की गुहार लगाई थी। अब युवती को भारत सरकार ने शादी करने के लिए वीजा जारी कर दिया है। लाहौर में टीचर युवती सुमन और अमित के परिवारों ने भी एक दूसरे को पसंद कर लिया था, मगर भारत पाकिस्तान बॉर्डर बंद होने के चलते मामला अधर में लटक गया था। दोनों परिवारों में मायूसी छा गई कि शायद दोनों प्रेमियों की आपस में शादी न हो सके। इसी दौरान अमित पुत्र रमेश कुमार निवासी श्री हरगोबिंदपुर ने कदिया के रहने वाले व्यक्ति से संपर्क करके अपनी होने वाली पत्नी सुमन रानीताल को भारत का वीजा दिलवाने के लिए उनका सहयोग मांगा। सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद आज सुमन, उसके माता पिता तथा मासी सहित कई लोगों को भारत आने का वीजा भारत सरकार ने दे दिया है। कराची से फोन पर बात करते हुए सुमन ने सहयोग करने वालों का आभार जताया। इसके साथ ही भारत सरकार व पाकिस्तान दूतावास का भी धन्यवाद किया है, जिन्होंने भारत का वीजा देकर उनकी शादी के लिए राह साफ किया है। उधर अमित कुमार ने भी मीडिया का शुक्रिया अदा करते हुए भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया है। अमित ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ पाकिस्तान जाकर विवाह करवाने चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने पाकिस्तान दूतावास में वीजा आवेदन कर रखा है। अभी उन्हें पाकिस्तान के वीजा की प्रतीक्षा है। उन्होंने कहा यदि उन्हें पाकिस्तान का वीजा नहीं भी मिलता है तो सुमन के माता पिता, भाई बहन व अन्य रिश्तेदार भारत आ रहे हैं, जिस पर उनकी मौजूदगी में उनका विवाह हो जाएगा। सुमन व उनके परिवार वाले हवाई मार्ग खुलने के पश्चात भारत पहुंचेंगे। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जब पाकिस्तान के लड़कियों को पूछा गया कि आप इंडिया के हिंदू लड़कों से शादी करने को तैयार है क्या, इस पर उन्होंने जो जवाब दिया वो आपको चौंका देगा। चलो देख।